All right, so let me just start the topic with you. Yes. So our next unit is vocabulary building and basic writing skills. ऑलरेडी इसके दो लेक्चर्स ऑलरेडी लग चुके हैं इसके, बट बिकॉज आप लोगों में से सम पीपल वर नॉट एबल टू अटेंड ड्यू टू सम रीजंस, सो आई विल रिपीट इट अगेन. कंटेंट्स एज यूजुअल, फ्रंट पेज पे कंटेंट्स हैं. देन द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे करी जाती है, हाउ आर द वर्ड्स फॉर्म्ड इन दी इंग्लिश लैंग्वेज. सो देर आर बेसिकली 4 to 5 मेथडोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच द वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. छोटा सा रिकैप होगा बिकॉज अगर मैं सारे नोट्स वगैरह देना चाहूँगी देन इट्स गोइंग टू बी टू लॉन्ग. सो फर्स्ट वन इज सबसे पहले तो प्रिफिक्सेस. यू ऐड प्रिफिक्सेस एंड देन देयर इज अ कंप्लीटली न्यू वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सी मोनोरेल, मोनोलिंगुअल. या मोनो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? मोनो मीन्स वन, सिंगल. ठीक है, सो व्हेन यू से मोनोलिंगुअल, जिस बंदे को, जिस इंसान को, द पर्सन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल. सो मोनो इज अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली पता ही है सबको ये. क्या होते हैं प्रीफिक्सेस? मैम वर्ड में पहले आने वाले हाँ बिल्कुल, जो वर्ड्स में, कोई भी वर्ड में जो पहले लगाए जाते हैं. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर वर्ड में प्रीफिक्स होंगे. ठीक है, इसका ये भी मतलब नहीं है. बट द सम वर्ड्स लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉटल, बॉटल बॉटल में कोई प्रीफिक्स नहीं है. ठीक है, तो ऐसे अज्यूम मत करना दैट एवरी वर्ड हैज अ प्रीफिक्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीकैप या रिपीट. ठीक है, सो देयर आर प्रीफिक्सेस हियर. ओके, अगला देखो, मल्टी मल्टीपर्पज मल्टी कल्चरल. मल्टी मल्टी मीन्स मेनी, सो देयर अगेन दिस प्रीफिक्स. डिटेल में प्रीफिक्स प्रीफिक्सेस को वील स्टडी इन द नेक्स्ट यूनिट आल्सो व्हिच आई एम सपोज टू डिस्कस टुडे. देन इज पोस्ट वॉर और पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट मतलब आफ्टर, पोस्ट मतलब बाद में. ठीक है, सो दिस इज द पोस्ट वॉर एरा, दिस इज द पोस्ट ग्रेजुएट एरा. दिस पर्सन इज पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट के बाद, विच इज आफ्टर ग्रेजुएट. व्हाट कम्स आफ्टर ग्रेजुएशन इज पोस्ट ग्रेजुएशन. देन अनयूजुअल, अनडेमोक्रेटिक. अन मतलब विदाउट या नॉट. ठीक है, नॉट या विदाउट या समथिंग विच इज ऑपोजिट टू द अदर थिंग. अनयूजुअल, डेमोक्रेटिक. सफिक्सेस, इज्म. इज्म जो है इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड सफिक्स. फॉर एग्जाम्पल इज्म इज यूज्ड इन टेररिज्म. टेररिज्म एवरीबडी नोज. सेक्सिज्म, जब किसी में जेंडर को लेके भेदभाव किया जाता है ना, उसको बोलते हैं सेक्सिज्म. भेदभाव या कोई भी चीज जो कि जेंडर स्पेसिफिक हो. फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, गर्ल्स लव पिंक कलर एंड बॉयज लव ब्लू कलर. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सेक्सिस्ट थिंग टू टॉक बिकॉज देर मे बी गर्ल्स हु लव ब्लू कलर. हाउ मेनी ऑफ बॉयज लव पिंक कलर? अगर किसी को पसंद भी होगा तो वो बोलेंगे नहीं कि हाँ मुझे पसंद है पिंक कलर. बट ये सिर्फ ऐसे नॉमनक्लेचर, ऐसे ही सिर्फ स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं. दिस इज नॉट एक्चुअली, विच इज नॉट एक्चुअली द केस. देन ई आर, यर. यर या ई आर यर या ओ आर यर, देर वन ऑफ द सेम थिंग्स एंड दे आर डिस्क्राइब टू, दे यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु डू समथिंग रिलेटेड टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई, एक होता है एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय करने वाला इज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय होने वाला इज एम्प्लॉई. ठीक है, एक्टर, द वन हु एक्ट्स
अगेन देन वाइडन, ई एन वाइडन, सिंप्लीफाई मीन दीज आर यूज किसी भी चीज को उसको वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए दिस थिंग्स आई यूज वाइडन सिंप्लीफाई. देन द अदर वन इज एबल, प्रॉफिटेबल, रीजनेबल, कैपेबल. एबल मतलब जिसमें काबिलियत हो, किसी चीज की काबिलियत हो, ठीक है. रीजनेबल, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट कमा के देने वाली काबिलियत हो जिसमें, ठीक है. देन हैप्पीली, नेचुरली, एल वाई. एल वाई जब आ जाए किसी कैन में तो इट डिस्कसेस हाउ समथिंग इज डन, हाउ. ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन्स. द थर्ड वन इज कन्वर्जन्स, के वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं. इसमें हमारा थर्ड थर्ड पॉइंट है कन्वर्जन. दिस इज थर्ड मेथोलॉजी, कैसे वर्ड फॉर्म होते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेक्स्ट हर. नाउ द वर्ड टेक्स्ट, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. द वर्ड टेक्स्ट इज एक्चुअली अ नाउन, ठीक है. आई विल सेंड यू अ टेक्स्ट, वेयर इज योर टेक्स्ट बुक. सो दिस इज अ नाउन. बट यू कैन सी इन दिस थिंग, इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज यूज एज अ वर्ब. कैन यू टेक्स्ट हर, प्लीज टेक्स्ट मी योर नेम. प्लीज जैसे हम बोलते थे, ओके फॉर लेट्स टॉक अबाउट इट इन नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज. व्हाट्सएप, व्हाट इज व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज द नेम ऑफ अ, व्हाट्सएप इज द नेम ऑफ अ, कम ऑन टेल मी. व्हाट्सएप इज द नेम ऑफ अ, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, हाँ तो बोलो, व्हाट्सएप क्या है? इट्स अ नेम ऑफ एन ऐप. सो नेम ऑफ एन यस एनिमल मैम, प्लेस थिंग और क्या था, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. सो व्हाट्सएप नो, क्या है आपका? व्हाट्सएप इज अ नाउन बोल सकते हैं, ठीक है. यस सो मैम, कई बार हम क्या बोलते हैं, मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो. हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, सेंड कर दो. तो सेंड करने की जगह हम बोलते हैं व्हाट्सएप कर दो. दैट मीन्स वी आर यूजिंग द वर्ड व्हाट्सएप, विच इज एक्चुअली अ नाउन. वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज अ वर्ब. ऑल राइट, सो यूजिंग सम अ फिगर ऑफ स्पीच, आई मीन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, लाइक सम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज हाउ यू से कन्वर्जन्स वर्क. As far as formation of words is concerned, ठीक है. For example, they are always jetting somewhere. Jet, jet noun होता है, ठीक है. Jet क्या होता है? बहुत sharp stream of any let's say बहुत sharp stream. The stream can be of liquid water, ठीक है. आपके वॉशरूम्स में जेट लगे होते हैं, है ना. बहुत शार्प स्ट्रीम होती है, ठीक है. या फिर जेट प्लेन्स. जेट प्लेन्स को क्यों बोला जाता है जेट प्लेन्स? बिकॉज व्हेन दे आर मूविंग, दे इजेक्ट वेरी शार्प स्ट्रीम ऑफ स्मोक, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड जेट्स. दे आर ऑलवेज जेटिंग समवेयर. जेटिंग समवेयर का मतलब दे आर ऑलवेज गोइंग, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव, दे आर ऑलवेज मूविंग. नाउ दे हैव वर्ब, दे हैव यूज्ड द नाउन जेट एज वर्ब. सो अगेन दिस इज सेकेंड वन. थर्ड, इफ यू आर नॉट केयरफुल, सम डाउनलोड्स कैन कॉज, कैन सम डाउनलोड्स कैन डैमेज योर कंप्यूटर. डाउनलोड्स, व्हेन आई से डाउनलोड का एक्चुअली मतलब क्या है, समथिंग. डाउनलोड इज एक्चुअली अ वर्ब. हैव यू डाउनलोडेड द मूवी? ओ माय माय अपडेट इज गेटिंग डाउनलोडेड. So this is, these are the things which, where it is actually used as a verb and which is the correct usage. But over the course of time, we have also started using download this word as not just as a verb but also as a noun. ठीक है? So this is the another one. Now fourth. Okay, so the meeting is on Tuesday. That's a definite. Definite is actually an adjective. डेफिनेट मतलब, डेफिनेट का मतलब होता है पक्का, किस तरीके से. एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर
words that define a noun, right? So definite will define a noun, obviously some noun. So definite is an adjective, but here we're using definite as a noun. Okay, so this is another example of conversion. Next we come to compounds. Two or more words which are joined together. For example, touch wood. Touch wood. Okay? Touch wood is a word. Touch अलग वर्ड है, वुड अलग वर्ड है, दोनों को मिला दिया टच वुड. एडजेक्टिव्स में देखो कौन कौन से हो सकते हैं. सी, हार्ट ब्रेकिंग. हार्ट इज नाउ द हार्ट इज वर्ड वन, ब्रेकिंग इज वर्ड टू. वे जॉइंट टुगेदर, हार्ट ब्रेकिंग इज कंप्लीटली न्यू वर्ड. शुगर फ्री, एयर सिक, अवन बेक, बेबी सिट, चेन स्मोक. बेबी सिट क्या होता है? बेबी सिट का मतलब क्या होता है? हाँ, सपोज आपका कोई छोटा भाई बहन है. हाँ हाँ बोलो, कम ऑन टेल मी. मैंने कहा पता नहीं। पता नहीं. सो सपोज आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है और मम्मी बोल देती है कि हम ना बाजार जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना. ठीक है, तो पंजाबी में उसको क्या बोलोगे? गुस्सा आ जाएगा छोटे भाई बहन पे, मार कूट भी दोगे. ठीक है, फिर उसको क्या बोलोगे? मैंने तेरी राखी छाट के गए है ना. सो इट इज एक्चुअली, सो इंग्लिश इज अ मोर पॉइज्ड लैंग्वेज एंड इट टेल्स यू मोर ग्रेसफुली एंड सोफिस्टिकेटेडली. सो इट इज कॉल्ड बेबी सिट. नेक्स्ट टाइम यू से आई हैव टू बेबी सिट माई यंगर सिस्टर या आई हैव टू बेबी सिट माई यंगर ब्रदर. ठीक है, चेन स्मोक का क्या मतलब होता है? ओ शी इज अ चेन स्मोकर, ओ ही इज अ चेन स्मोकर. चेन स्मोक का क्या मतलब होता है? बॉयज मस्ट नो दैट. अगेन दिस इज अ सेक्सिस्ट थिंग. नहीं पता? जो बंदा बहुत स्मोक करता है, मतलब एक एक सिगरेट खत्म होते ही दूसरी सिगरेट जला लेता है, उसको बोलते हैं चेन स्मोकर. मतलब बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना, लड़ी लगी हुई है. ठीक है, तो वैसा है कि सिगरेट की लड़ी लगाई रखता है वो. दैट इज कॉल्ड चेन स्मोकर. देन नेक्स्ट, गुड नेचर्ड नहीं, जिसका नेचर अच्छा हो. ऑब्वियसली गुड इज वन वर्ड, नेचर्ड इज अनदर वर्ड. देन जॉइंट टुगेदर, गुड नेचर्ड इज वन वर्ड, गुड नेचर्डली इज अनदर वर्ड. क्यों आपने सफिक्स ऐड कर दिया ly, अनदर वर्ड. Nevertheless, never is one word, the is one word, less is another word. तीन वर्ड्स को ज्वाइन करके there's a new word which is coming up, which is the name of, and the word is nevertheless. Okay, फिर इसके बाद आता है कि हमारी डे टू डे लैंग्वेजेस में हम कोई एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं. देन देर आर सर्टन एब्रीवेशन दैट वी आर यूजिंग डे टू डे languages, and now these abbreviations have become a part of our day-to-day speech. For example, the other day also I told lab, laboratory. मेरी English lab है, आज मेरी English lab है, आज मेरी physics lab है. आप ये तो नहीं बोलते हो ना, आज मेरी English lab laboratory है. Of course, अगर बोलो भी बेबी तो it's not wrong, but you're using short form. So I'll tell you one incident. We went to the college first time, घर से बाहर निकलो, and I went to the college, and all of us first year students, हम नए बच्चे थे, सब नए बच्चे थे. तो हम क्या करते थे कि हम जहाँ भी, अगर हमारी क्लासेस कहीं और होती थी, क्लास से अगर बाहर निकलते थे तो अगर सपोज आर्ट्स ब्लॉक में क्लास लगाने जाते थे कोई, तो इन दैट केस व्हाट वी यूज टू डू, वी नेवर यूज टू गो अलोन, बिकॉज अगर अकेले जाएंगे तो सीनियर्स पकड़ लेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट रैगिंग. सो वी ऑलवेज यूज टू गो इन अ ग्रुप. तो क्या हुआ, वी वर गोइंग एंड वन ऑफ अस आस्क्ड अ सीनियर के वेर आर द कॉलेज हॉस्टल्स, वेर आर द कॉलेज हॉस्टल्स. दिस क्लासमेट ऑफ माइंड, शी आस्क्ड द सीनियर
that where are the college hostels? And everybody started laughing. And they said there are no hostels in the college. And we were surprised that, oh my God, there's seriously no hostels in the college. How is this possible? People are living in hostel. I mean, there were our classmates who were the hostel people. So they told us there are no hostels in the college. There is only residence. So हमारे कॉलेज में हॉस्टल्स को हॉस्टल्स नहीं बोला जाता था, इट वॉज कॉल्ड रेजिडेंस, विच इज दैट वॉज अ टर्म विच वॉज यूज फॉर हॉस्टल्स. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, रेजिडेंस इज द ऑफिशियल टर्म दैट इज यूज फॉर ऑल द हॉस्टल रिलेटेड वर्क्स. एंड बट स्टूडेंट्स बींग स्टूडेंट्स दे अब्रीविएटेड द वर्ड. वट दे स्टार्टेड दे अब्रीविएटेड the abbreviated residence to res. I'm going to my res. Oh, my my bag is in my res. My clothes are in my res. ठीक है, so we never used to say my clothes are in my hostel. We used to say my clothes are in my res. या ऐसे नहीं बोलते थे कि you are a hosteler. No, they used to tell you are a resi. ठीक है, so this that is how a new word was formed, res. anyways, advertisement ko hum bol rahe the ad. channel change kar do, ad aa gayi hai na. you say that us ad mein na jo ladki aati hai na wo bahut sundar hai. theek hai, then matthew is the name. sometimes matthew, the name matthew is short formed by their friends to Matt. ठीक है, RAM, random access memory. फोन लेने जाते हो तो RAM चेक करते हो, obviously. RAM तो नहीं बोलते हो ना, भगवान राम तो नहीं बोलते हो उसको, you obviously say RAM. okay, then WHO. yes, WHO अब काफी सुर्खियों में है. WHO, you don't say के according to new WHO guidelines. no, you say according to new WHO guidelines. there are certain words which are used by the names of the letters. so one is WHO, another thing is CD. CD की full form है compact disc. छोटे classes में पढ़ा होगा computer में. last type of word formation is called blending. दो words को जोड़ के एक word बनता है. आजकल एक वर्ड चला हुआ है, आजकल नहीं, दिस वर्ड हैज बीन लिंगरिंग अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, लॉन्ग नाउ, मोर देन अ डेकेड, गोइंग टू बी टू डेकेड्स. ब्लॉग, ठीक है, वेब ब्लॉग को ज्वाइन कर दो तो इट विल बी ब्लॉग. ठीक है, मोटेल और होटेल को ज्वाइन कर दो तो इट विल बी अ होटेल, सॉरी मोटल और होटेल को ज्वाइन कर दो तो इट विल बी अ मोटेल. स्मॉग, स्मोक और फॉग जब मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं फॉग. और कुछ वर्ड्स ऐसे, फॉर एग्जांपल व्लॉग भी आजकल है ना. व्लॉग सुना है किसी ने? काफी इन्फ्लुएंसर्स ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स काफी यूज करते हैं व्लॉग. माय व्लॉग इज आउट, चेक माय यूट्यूब व्लॉग. पार्टी हो रही है मैम. क्या हो रहा है? वो भी एक तरह का ब्लॉग था विच अपेरेंटली बिकेम सो ग्रेट, इतना वायरल हो गया. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस एंड दे यूज इन इंग्लिश. These are some list of some words. I will just read the words for you. Ultimately, आपको ये याद ही करने हैं. There's nothing more to it. The word is the first root word is acri. Acrimonious is the word. Bracket में इस root word से बने हुए words भी लिखे हैं. Then the word outside the bracket is the meaning of the word. astro, astro means something related to stars. ठीक है, astronaut, astronomy, astrophysics, astrology. ठीक है, odd, odd का मतलब होता है to hear, सुनना. audience, सुनने वाले लोग.
ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ सुनने वाले लोग, और अगर आप प्ले देखने आए हो तो आप ऑडियंस नहीं हो, सुनने देखने वाले भी आ जाते हैं इसमें। देन ऑडिबल, ऑडियो, ऑटो, सेल्फ, ऑटोनॉमी, ऑटोक्रैट, ऑटोमैटिक, बेनी, बेनी मीन्स गुड, बेनिफैक्टर, बेनोवलेंट, बेनिफिशियल, कार्न, कार्न मीन्स फ्लैश, कार्नल, कार्निवोर्स, रीइनकार्नेट, रीइनकार्नेट का मतलब क्या होता है? रीइनकार्नेट सुना है कभी? रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म, नो मैम, नो मैम, ये कौन आया? नो मैम, दिस इज अमित, वाज दिस अमित? चलो, रीइनकार्नेशन नो मतलब मैम, पुनर्जन्म। अमित है ही नहीं। अमित था? क्यों नहीं था? अभी तो था क्लास चला में, गया चला मैम, गया होगा फिर, वो अभी तो नहीं है, मेरी दिक्कत नहीं है, पर आया तो था। भाग गया, तुम बंक कर गया। लोग की ना आजकल मैं देखती हूँ अटेंडेंस बहुत लो चली गई है, वो ठीक करो अपना काम। एक और चीज है कि तुम्हारी ना इंस्पेक्शन आ रही है अभी नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक, इस वीक में एक्सपेक्टेड था हमें इंस्पेक्शन का, सरप्राइज इंस्पेक्शन होगी, बट वी वर एक्सपेक्टिंग दिस वीक, इस वीक नहीं आई है तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट वीक आएगी। तो अपनी अटेंडेंस जो है सारी क्लासेस लगाते रहो, अटेंडेंस रखो, पूरी रखो अपनी, ठीक है? स्पेशली अगर किसी की स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स तो बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि दे आर एक्चुअली कमिंग फॉर द इंस्पेक्शन टू ऑल्सो सी के जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है आर दे रियली अटेंडिंग द क्लासेस एंड आर देर एक्चुअली एलिजिबल फॉर मोर स्कॉलरशिप। ऑल्सो दे विल मार्क योर असेसमेंट्स रिगार्डिंग द सेम, ठीक है? तो क्लासेस अपनी टाइम टू टाइम ओके मैम, लगाओ। ये हो गए 2 का हफ्ते हो गए तुम्हारी, तुम लोग लगा नहीं रहे हो अच्छे से क्लासेस? उससे पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, द अटेंडेंस वाज रियली गुड। एनीवेज वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट, समझ ही नहीं आता कुछ। कैसे समझ नहीं आता? देखो आशीष, ये अब ऑनलाइन का तरीका है, ठीक है? कुछ कॉम्प्रोमाइजेस टीचर्स को करने पड़ते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तुम्हें करने पड़ेंगे। आप बोलो, आपको जो है चाहिए आप बोलो कि ऐसे नहीं मैम या सर, ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, है ना? जब तक आप आके, जब तक आप आके बताओगे नहीं, आपको मैं दिक्कत लकी किस लेके चीज की मैं आ रही है? बोलूं, हाँ बोलो। मैं जब बताऊं सर, सर बोलते बाद में देंगे सर के कुछ दिखता ही नहीं है, जब उनके मिस्ट्री बताओ तो क्लास सर में क्या दिखते बोलते हैं हैं? क्या बताओ तो सर, बोलते हैं हेलो, कि कुछ नहीं बोलते सर, फिर तो कहते कि मतलब मेरा क्लियर आ रहा है, आपका पता नहीं क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। मतलब सर सर का क्लियर आता है, हमारा क्लियर नहीं आता, कुछ भी कैमरे, किसी के भी कैमरे पे क्लियर नहीं आता। क्लियर अच्छा सर का कैमरा क्लियर नहीं होता? तो बोलो, कौन से, ये ब्लर तो ब्लर आता है सारा, केमिस्ट्री। ब्लर होता है, कौन से कैमरा, कौन से सर? केमिस्ट्री। ओके, सो हम ऐसा करें कि आप समझ लो क्लास में, मेरी बात सुनो, जितना आप समझ सकते हो बोलता सर आपको बाद में नोट्स कुछ, वो दे दें करें। यस मैम, वो ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास, बिल्कुल अगर आपके पास नोट्स आ जाएंगे तो आप एक बार, आपने समझा होगा नोट्स को एक बार देख लोगे तो आई थिंक फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करें कि सर आपको नोट्स दे दें फिर। यस मैम, देखो पता है क्या है, मैं क्लास में बार बार ये चीज बोलती हूँ कि जो इस बार तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स जो है ना, 4 में से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये तुम्हारे मेन है, ठीक है? ये तीसरा वाला नॉर्मली टीचर्स बोलते नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इंग्लिश सब्जेक्ट इज नॉट इतना, वो जरूरी नहीं है कि तुम इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? इसलिए इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो भी नहीं मैं इतनी ज्यादा तुम्हारी ना फुल टाइम लेती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ लाइट सब्जेक्ट, ठीक है? जो आप मतलब पर्ची इंग्लिश से बताओगे वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर लो, फॉर एग्जाम्पल योर मैथमेटिक्स पार्ट,
योर केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है? तो बट आपको बताना पड़ेगा कि आपको ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का पास तो बेटा ही करके है। बेड़ा ही करके। क्यों 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 बताओ। नहीं देखो, ऑब्वियसली ये बताना जरूरी है, अगर कोई कहीं दिक्कत है ऐसा तो फिर लॉस ही है ना। लॉस किसका है, तुम्हारा है। टीचर बोल देगा जी मैंने तो पढ़ाया है। टीचर बोलेगा यार मुझे तो कोई कंप्लेंट नहीं आई, बताओ क्या प्रॉब्लम है। बोलना है या मैं आगे चलूं? टॉपिक कॉर्ड, कॉर्ड मतलब बॉडी, कॉर्पोरल, कॉर्पोरेट, कॉर्ड्स, क्रेड, क्रेड मतलब बिलीव, ठीक है? क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड बिलीव से चलता है कि तुम्हारे बैंक में अगले महीने पैसे आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, इसलिए तुम आज क्रेडिट कार्ड, मतलब मैंने यकीन कर लिया कि तुम्हारे बैंक में अगली बार जो पैसे आएंगे तो मैं उसमें से काट लूंगी। अब नेक्स्ट टाइम पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता नहीं है, आ जाएंगे ऑब्वियसली। आई होप किसी के साथ ऐसा ना हो। ओके, डेका, डेका यानी 10, डेकेड, डेकाथलन, डी कैटलॉग, डी कलो, डी डेकलॉग, डी कैथलन एक वो भी है, ब्रांड भी है, रिमेम्बर दैट वे। डिक्ट, से, डिक्टेशन, डिक्टेट, इडिक्ट, एडिक्ट नहीं है ये, एडिक्ट इज ADDICT, दिस इज इडिक्ट, EDICT। जेन, जेन मतलब बर्थ, किसी चीज का जन्म होना। द वर्ड्स आर जेनेसिस, जेनेटिक, जेनरेट। द अदर डे वासु सेड, जब मैं क्लास में करा रही थी एक दिन पहले भी, तो वासु सेड कि मैम जनरल हो सकता है। नो, जनरल नहीं हो सकता वर्ड इज। ल्यूम, ल्यूम मतलब लाइट, ल्यूमिन, ल्यूमिनरी, ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन रिलेशन टू लाइट। देन नेक्स्ट वर्ड इज मीटर, मीटर मींस मेजर करना, ग्रीक में मेजर करने को मीटर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज माइक्रो, माइक्रो मींस स्मॉल। नेक्स्ट मल्टी, मल्टी, मल्टीलिंगुअल, मल्टीपल, मल्टीफेसेटेड, मल्टीटास्किंग, ठीक है? नेक्स्ट पोर्ट, पोर्ट मतलब कैरी, इंपोर्ट, इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट्स, एक्सपोर्ट द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? सेक्ट, सेक्ट मतलब कट अपार्ट, एक सेक्टर जैसे बोलते हैं, सेक्टर, डाइसेक्ट, सेक्शनल, ट्रांजेक्ट, सेन, सेन मतलब ओल्ड, सीनेटर, सेनाइल, सीनियर, सीनेटर होता है आपके कॉलेजेस में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, यूनिवर्सिटीज में होते हैं सेनेटर्स, ठीक है? देन नेक्स्ट सेंट, ऑब्वियसली टू फील, सेंट मतलब टू फील, ये सेंट भेजने वाला सेंट नहीं है, ठीक है? दिस इज कॉन्सेंट, सेंसेशन, सेंसिंग, टेले, टेले मतलब फार, टेलीफोन, टेलीग्राफी, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीपैथी, टेलीपैथी नेक्स्ट वर्ड्स ही वर्ड्स है, जितने याद करते जाओ उतने कम। बोर, टू ईट ग्रीडीली, एम्ब्यून, टू मूव और वॉक। कार्डियो, कार्डियो का मतलब हार्ट से होता है हमेशा, कार्डियोवास्कुलर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजी, ईसीजी सुनी है? ईसीजी, यस मैम, इसमें जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिलेटेड टू ईसीजी, ईसीजी का जो आउटपुट आता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? सीड, सीड मतलब टू गो और ईड, इंटरसीड, कंसीड, रिसीड, एक्सीड। काउंटर, काउंटर मतलब अगेंस्ट, काउंटर, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर एक्ट, काउंटर आर्गुमेंट, किसी के ऑपोजिट में जाना।
देन इज डेम, डेम मतलब ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, डेमोग्राफी, डर्म, डर्म मतलब स्किन, स्किन की जो लेयर होती है ना उसको बोलते हैं डर्मिस, डर्मिस लेयर बोलते हैं। तो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, देन देयर इज हाइपोडर्मिस एंड देयर इज वन मोर लेयर, उसका बोले नाम याद नहीं है। इक्वी मतलब इक्वल, इक्विटी, इक्वल, इक्विलेटरल, इक्विडिस्टेंस, इक्वो पोटेंशियल, लास्ट टाइम पढ़ा होगा कभी, इक्वो पोटेंशियल याद है? नहीं याद। हिप्नो, हिप्नो मतलब स्लीप, हिप्नोसिस, हिप्नोटिक, हिप्नोटिज्म, एक ही वर्ड के तीन चीजें बता दी इसमें, पोटैटो पोटैटो। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा कॉलेज मतलब कॉलेज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, इंटर कॉलेज मतलब कॉलेज के बाहर होने वाली एक्टिविटीज, ठीक है। जेट, जेट मतलब टू थ्रो अवे, रिजेक्ट, इजेक्ट, इंजेक्ट, मैग्नी, मैग्नीट्यूड, मैग्नी मतलब किसी समथिंग विच इज बिग, मैग्नीट्यूड, मैग्निफिसेंट, माल, माल मतलब बैड, मैलिग्नेंट, माल फंक्शन, माल फंक्शन, मैलिस, मलाइन, ओमनी, ओमनी मतलब एवरीवेयर, ऑल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोर, ओमनी वोर क्या होते हैं? छोटे होते साइंस में पढ़ा होगा। व्हाट आर ओमनी वोर्स? मैम जो वो घास भी खाते हैं और मैम मीट भी खाते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। कोई जाग रहा है क्लास में? पॉली, पॉली पॉली मीन्स मैनी, पॉलीगैमस, मैनी यस पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल, पॉलीथीस्ट, पॉली पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैम क्योंकि बड़े सारे इथीन मिलते हैं और मैम इथीन मिलते हैं कंबाइन होते हैं वाह वाह, सारे इसलिए इसको पॉली अभी अगर तुम यस मैम अगर ये क्लास होती ना, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन क्लास लग रही होती, तो आशीष मेरी तरफ से तुझे एक चॉकलेट पेंडिंग मैम मोहित मोहित बोल रहा हूँ मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम नहीं, मोहित को चॉकलेट, आशीष ने मोहित मेरी तरफ से चॉकलेट, बट द थिंग इज इसको मोहित को तब भी नहीं मिलती क्योंकि आता ही नहीं है क्लास में, इसको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलती चॉकलेट क्योंकि क्लास में तब आता ही नहीं था। तो थैंक यू मैम विल अगेन गो टू आशीष, नहीं बट स्टिल मोहित, मोहित की चॉकलेट नहीं उड़ेगी। ओके, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब ओके मैम राइट, थैंक यू ओके मैनुस्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर, ठीक है। विज, विज या विट मतलब टू सी, विजन, वीडियो, एनविजन, एविडेंट, विच इज क्लियरली, विच यू आर क्लियरली एबल टू सी। इंग्लिश की क्लास हो गई तुम्हारी लंबी। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वेंटेंस विद द प्रीफिक्सेस, सफिक्स एंड सफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंग्लिश टू, न्यू टॉपिक है, वी विल डिस्कस टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। दिस वाज ऑल ओके फॉर मैम टुडे एंड अटेंड योर क्लासेस जेन्युइनली प्लीज, ठीक है। या दैट वाज ऑल। अगर हाँ, एक और चीज है कि देखो किसी भी क्लासेस में कोई डाउट हो रहा है ना, ठीक है, डाउट या कोई दिक्कत आ रही है, तो पहले टीचर से बात करो। अगर टीचर नहीं कोई सोल्यूशन निकल रहा है, देन टॉक टू दी एचओडी, मेरे से बात कर दो, ठीक है, हम मिलके कोई सोल्यूशन निकालेंगे उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल मैं सर से बात करती हूँ कि एक्चुअली पता है क्या है, सर का ना उधर मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती होगी क्योंकि उनका थोड़ा शॉर्ट है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हाँ हाँ क्या क्या नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है होता है?
नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है उधर। हाँ नेटवर्क क्या? तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं ठीक। नेटवर्क बहुत ही कम उधर कह रहा नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पे। हाँ हाँ वही वही मैं भी वही बोल रही हूँ। तो ठीक है एनीवेज आई टॉक टू सर वी कैन व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। ठीक है चलो दैट थैंक इज यू ऑल मैम। फॉर टुडे। यू कैन एग्जिट द क्लास एंड वी मीट इन नेक्स्ट क्लास।